हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने जीजाना यूट्यूब चैनल पर। तो हर बार की तरह हम इस बार भी आपके साथ जुड़े हैं कुछ बताने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, परपोताई स्टार्ट हो चुकी है और बहुत दिनों से बारिश पड़ रही थी। आज ये समझ लीजिए लगभग बहुत दिनों के बाद बारिश रुकी है, यह समझ लीजिए 3-4 दिन लगातार बारिश पड़ने के बाद आज कुछ बारिश नहीं दिखी है, मगर बारिश का फिर से मौसम बन रहा है। तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है गाइस, आपको एक अपडेट देना है कि माशाल्लाह से इंशाल्लाह उड़ान होगी और बने रहिए हमारे साथ। चने डल्ला है, ये देखो गाइस कबूतरों को बेहतरीन से बेहतरीन गिज़ा दी जा रही इस टाइम। चने डल्ला है गाइस कबूतरों को। ये गाइस परपोताई होने के बाद इनका जो न्यूट्रिशन है इन्हें मिलना चाहिए, ताकि पर बेहतरीन से बेहतरीन आए, जल्दी से जल्दी आए, मजबूत से मजबूत आए, ताकि ये मैदान जंग में लड़ सके बेहतरीन तरीके से गाइस। और कबूतर फ्रेश तो अभी नहीं है गाइस, अभी पुरीज में ही है। परोगी, छोटे परोगी, इन्होंने पुरीज कर दिया है। कम से कम 1-2 महीना लगेगा इन्हें पर पोताई पूरी करने में। और गाइस ये जाल के सारे कबूतर खोल दिए हमने, और उस जाल में ये समझ लीजिए 10-20 कबूतर और रहेगा जो खुलने से रहेगा, क्योंकि इनके अंडे बच्चे रखे हैं गाइस। उसमें जितने भी बच्चे डाल लेते हैं हमने नीचे से ऊपर ला के सारे पर बांध के खोल दिए। अब बस नीचे से जो कबूतर जोड़ों में के हैं इनके बच्चे हो गए, वो पूरे होकर के आएंगे ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर बड़े ज़रे से कबूतर बचे हैं। बहरहाल है अभी 60-70 कबूतर और वहाँ पे। मगर गाइस क्या है, इसमें कुछ कबूतर ऐसे हैं जो इस साल नहीं उड़ेंगे गाइस। उसका क्योंकि रीज़न इतना बड़ा भी नहीं है रीज़न। तो गाइस इतने सारे कबूतर हैं अलहमदिल्ला से, माशाल्लाह से, और अब इनके बस ये समझ लीजिए थोड़ी सी नस्ल बन नहीं पा रही इन कबूतरों की, अब बढ़ नहीं पा रही आगे को। हमारे बहुत पुरानी नस्लों में से कबूतर है तो इसलिए रोक लिया गया है। माशाल्लाह से बहुत सारे कबूतर हैं, इनमें ही उड़ान होगी। और मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा गाइस, कबूतरों में चौकसी इस टाइम बढ़ती चलाएंगी तो आराम आराम से आऊँगा मैं। ये देखो बहुत ज़रे से और बहुत मुनासिब से कबूतर बचे हैं इस जाल के अंदर। और गाइस कुछ ही कबूतर रोके हैं, क्योंकि हमने बताया है इसकी नस्ल चल नहीं पा रही, और ऐसा ना हो कि नस्ल ख़त्म हो जाए और आगे बढ़ ना पाए। तो बहुत मुनासिब से कबूतर है ये समझ लो। कुछ कबूतर अंडे बच्चों पे बैठे हैं और बहुत सारे कबूतर इनमें से निकल जाएंगे अभी आने वाले दिनों में, अंडे बच्चों पे बैठे हैं गाइस। और पोता स्टार्ट है गाइस, कैच हो रहा है कबूतर, अगर गाइस उड़ उड़ा गए ना धोखे से तो घर आना भी मुश्किल हो जाएगा, हवा भी चल रही थी। बहरहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसा हम करते रहेंगे वैसा आपको बताते रहेंगे उड़ान के रिगार्डिंग भी और सब कुछ रिगार्डिंग गाइस। पानी में गाइस कोई दवाई ववाई नहीं दे रहा इस टाइम, और बेहतरीन अच्छे से अच्छी गिज़ा खिला रहा है इस टाइम तो कबूतरों को। और इतनी अच्छी भी गिज़ा ना कर देना आप कि कबूतर थल ले ले, मोटा हो जाए ज़्यादा। चने एक मुनासिब अमाउंट में देने हैं आपको और बेहतरीन गिज़ा देनी है गाइस। बच्चे बस एक बच्चा बचा है गाइस ये जो पल रहा है, वरना सबके नीचे से अंडे फेंक दिया है। और ये कम से कम हो गए 450 कबूतर उड़ने वाले गाइस, उड़ने वाले जो उड़ेंगे उड़ेंगे गाइस इस टाइम। वैसा तो कबूतर है अलहमदिल्ला इस टाइम 800-850-900 कबूतर है पूरी छत पर। और बढ़ते रहता है घटते रहता है, ये तो होता ही रहता है गाइस। और पकड़ आती है बेहतरीन, ये समझ लो अगर 150 कबूतर पकड़ेंगे तो 170 कबूतर भगाएंगे भी, साइमल्टेनियसली चलता रहता है। बहुत अच्छे कबूतर जाते भी और बहुत अच्छे कबूतर पकड़ते भी है गाइस। ऊंची छत का यही फ़ायदा होता है कि भागते भी ज़्यादा ही है, भागते तब है गाइस। हमारे कबूतर हिलने में तो भागते नहीं, मगर जब उड़ाने हो जाती है ना गाइस, खैरा बहुत मारता, ये समझ लो एक एक टाइम में चिड़चर खैरा मारता और चिड़चर कबूतर ले जाता है एक एक बारी में हमारे छत के ऊपर से। और हमारे एरिया में हम चलावा कबूतर कोई उड़ाता नहीं, चिड़ी मारी कर रखी लोगों वागों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे एरिया में, पर्टिकुलर हमारे मोहल्ले के एरिया में गाइस बहुत चिड़ी मारी। कई बार कबूतर बैठ गया तो बचना का नहीं यहाँ पे, और लेन देन किसी से नहीं है आस पड़ोस में गाइस। ये देख लो चाहे सामने है, इनसे लेन देन नहीं है, और ये अड्डा वान रखा है ये, इनसे भी लेन देन नहीं है गाइस। और सामने कबूतर दिख रहा होगा आपको बैठते हुए, वहाँ पर भी लेन देन नहीं है गाइस। और धूप निकली है बहुत प्यारी गाइस, आपको बता ही दिया है कि किसी से लेन देन नहीं है, मगर जी दारी से उड़ाते हैं बिना किसी डरे गाइस। कबूतरों को धूप लगाओ गाइस, जब भी ऊपर अच्छे आएंगे, धूप तो बहुत ही ज़रूरी है इन दिनों लगना गाइस।
कबूतरों में। और कबूतरों को खोल दो तभी उठे हैं बैठे हैं कबूतर। तो गाइस मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बस अपडेट देनी थी, एक बहुत प्यारी सी अपडेट दी है आपको, छोटी सी है मगर ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, मगर बता दिया है गाइस। बिल्कुल तैयारी में रहो, रहे हैं बिल्कुल तैयारी में, इस टाइम उड़ान होगी दबा के गाइस, कबूतर का तित्तर बना देगा उड़ा के। कबूतर जो छत पर रहेगा वो चार या पाँच घंटे क्रॉस करना इसका ज़रूरी है। और ये कबूतर आया एक पीछे, वो जा रही है सिंह वो जा रही है सामने। तो गाइस कबूतर तो फिरते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं कितने पकड़ते धकड़ते रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। और ये कबूतर पकड़ में आ गया तो इसकी वीडियो बनाता हूँ अभी मैं, ये कबूतर यहीं पर।